हमारी फेवरेट मूवी है हॉलीवुड की है इंसीडियस। मन नहीं करता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है थर्सडे और अभी हुए हैं रात के 8:15, तो 8:15 हो चुके हैं आज। अभी भी गए नाश्ता खा के, आज फ्रूटी काटा था, जैसे अभी इवनिंग में फ्रूटी खाते हैं, कुछ बनाती नहीं हूँ वैसे। जैसे मैं पहले मैगी उपमा वगैरह इवनिंग में बनाती थी, जो अभी इवनिंग का स्नैक्स है वो अब मैं सुबह में ब्रेकफास्ट में खा लेती हूँ। तो इवनिंग में तो अभी फ्रूटी खाती हूँ। वैसे तो डाइटिशियन ने मना किया है, मीन्स मना नहीं किया है उन्होंने, जो जिस हिसाब से मेरा डाइट प्लान बताया है उसमें टी के साथ स्नैक्स है, जो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। इवनिंग टी के साथ जैसे नींद में से उठती हूँ तो टी के साथ स्नैक्स है, तो वो नहीं खा रही हूँ। तो ये टाइम पे ही मैं इनके साथ ही फ्रूट खा लेती हूँ। ये भी गए, कपा गए हैं ये भी। मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ लिपस्टिक लगा के। टाइम पूरा दिन ऐसा गया है, काम बहुत था आज घर में, पूरा दिन मेरा काम में गया है। और ऊपर से क्लाइमेट भी वही ठंड है ही, तो थोड़ा कभी कभी ऐसा लग रहा है ठंड नहीं है थोड़ी देर, कभी कभी ऐसा लग रहा है ज़्यादा ठंड है, तो पता नहीं चला है। सुबह में थोड़ा कम था ठंड, फिर आफ्टरनून में मैं सोई तो सोने के टाइम पे मुझे ज़्यादा ठंड लग रही थी, फिर अभी उठी हूँ तो अभी नहीं हो रही है। तो मैंने शॉल हाल फिलहाल यहाँ पे ही रख दी है, बना के रख देती हूँ, जिस टाइम पे ठंड हो तो पहन लेती हूँ, नहीं ठंड होती है तो उतार लेती हूँ, ज़्यादा देर भी पहन नहीं पाती हूँ पूरा दिन भी। तो अभी तो ठंड इतनी नहीं हो रही है फिलहाल, मैंने डोर विंडोज वगैरह सब बंद कर लिए हैं घर के, तो ठंड कम हो रही है उसकी वजह से। आफ्टरनून में आज पुलाव बनाए थे और सुबह में बनाया था आज मैंने मूंग का चिल्ला, तो कितने दिन से वो मैं नहीं बना रही थी। उस दिन भी मैंने जैसे व्लॉग में रात को बनाया था खाना, तो मैंने बोला था साथ में मूंग का चिल्ला भी बनाती हूँ, लेकिन उस दिन हाँ भजिए थे तो उसके साथ मूंग का चिल्ला मुझे बनाना था, तो हबी ने बोला नहीं, उनको भजिए मिल गए तो मूंग का चिल्ला खा ही नहीं रहे थे, तो वो मैंने नहीं बनाया था। फिर आज मैंने सुबह में बनाया, एक्चुअली में कल काजल ने मूंग का चिल्ला बनाने के लिए, कल आफ्टरनून में हमने मूंग सोक करके रखे थे, उसके बाद सोक करने के बाद रात को हमने वो मिक्सी में पीस के रखे थे, काजल ने पूरा ग्राइंड कर लिया था, उसमें जीरा अदरक और हरी मिर्ची डाल के ग्राइंड करना है, थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालना है, इतना नहीं डालना है मूंग में पानी, जैसे खाली पीस जाए मिक्सर में, मिक्सी में पीस जाए उतना ही थोड़ा पानी डालना है, तो जैसे वो स्प्रेड आसानी से हो, थिकनेस उतनी रखनी है ज़्यादा भी नहीं, जैसे चिल्ला वगैरह हम बेसन का चिल्ला वगैरह बनाते हैं वैसे ही, उसमें खाली जीरा अदरक और हरी मिर्ची डालना है, और अगर चाहिए तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं पीसने के टाइम पे। फिर वो रात को हमने पीस के फ्रिज में रख दिया। सुबह में उठ के मैंने ओनियन काटा, बारीक बारीक ओनियन काट के और नमक उसमें मिक्स करके फिर मैंने चिल्ले बनाए, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने शूट किया है आज सुबह में चिल्ले मैंने कैसे बनाए, तो आप भी देख लीजिए मैंने मूंग का चिल्ला कैसे बनाया। ये है मूंग का चिल्ला बनाने का आटा। मूंग को 5 to 6 आवर्स के लिए सोक करके रखे, फिर उसके बाद मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है, थोड़ा सा पानी, जीरा अदरक और हरी मिर्ची डाल के, देन उसको पीस के हमने रात को ही रख लिया था, देन इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, थोड़ा सा पानी डाला बिल्कुल भी, खाली मिक्सी में पीस जाए मूंग उतना पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, तो इतना जैसे ये आसानी से फ्राई करने के टाइम फैले अच्छे से। जब तक मैं उसको ऐसे स्प्रेड कर रही थी फ्राई करने के टाइम, तब तक वो पकता ही जा रहा है, फटाफट बन जाता है मूंग का चिल्ला, इसे चटनी के साथ खाने से अच्छा बहुत टेस्ट आती है। मूंग पीसने के बाद अभी सुबह में मैंने उसको नमक और ओनियन डाला है बारीक कटा हुआ, एक ही छोटा सा ही ओनियन डाला मैंने,
अभी रात के 9:45 बजे हैं। अभी को खाना मैंने फोन किया, बाहर से ही लेके आओ, नहीं हो रहा है मेरे से। ठंड भी बढ़ गई है और मेरा राइट हैंड पकड़ लिया है, एल्बो में पेन हो रहा है, जैसे ये हाथ ही मेरा सीधा नहीं हो रहा है, ऐसा हो गया है, फोल्ड ऐसा हो रहा है। तो ठंड की वजह से कभी कभी मुझे तो इशू बहुत रहता है, ठंड ज्यादा होगी कभी सहन होता है कभी नहीं होता है। तो बैठ बैठ के अचानक ब्लॉक तो स्टार्ट किया, उसी टाइम पे मुझे थोड़ा पेन लग रहा था, इवनिंग में ही थोड़ा लग रहा था, ऐसे उठने से इतना नहीं लग रहा था। धीरे धीरे करके जैसे जैसे रात होती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही, पेन भी बढ़ता जा रहा है। मैंने बोला जाने दो, इन्होंने भी बोला, इनको बताया फोन पे, तो बोला जाने दो, मैं खाना बाहर से लेके आता हूँ, रेस्ट कर ले थोड़ी। फोन किया इन्होंने, क्या लेके आओ? मैंने बोला जो भी लेके आओ, जैसे भी लेके आओ, समझ में आए जो तो आप लेके आओ, वही खाएंगे। बी की टिक्की आती है ना, तो वो मिल रही है। मैंने बोला बी के मिल रहा है तो लेके आओ, और जो साथ में पाव लेके आओ वही खा लेंगे। आलू वड़ा जैसे तरते हैं उसमें बी परा रहता है, आलू के बड़े बटाटे वाले नहीं बनते जो उसमें फिर बी भी पड़ता है, तो वो वैसी बनती है, अच्छी लगती है, इनको भी अच्छी लगती है। मैंने बोला वही लेके आओ, पास से खा लेते हैं, छोटी फैमिली है, नहीं कभी हेल्थ का इशू होता है तो बाहर से मंगा ही लेते हैं, क्या करेंगे, नहीं होता है तो। ठंड भी ज्यादा हो रही है ना, कभी मेरा हेल्थ का इशू वैसा है, अर्थराइटिस में ना पता ही नहीं चलता है, बैठ बैठ के कभी भी हाथ पकड़ लेगा, कभी पैर पकड़ लेगा, या कभी वही ठंड मुझे सूट होगी, कभी वही सूट नहीं होगी, ऐसा इशू हो जाता है मेरा बहुत। तो अभी हबी भी आ जाएंगे, बस खाना तो रेडी है आज, टेंशन नहीं है खाने का। एक्चुअली मैं सुबह से ज़्यादा काम किया है आज मैंने, ये अचानक से ऐसे इवनिंग में पेन हो गया, भरोसा ही नहीं होता है मेरा, कभी सोचते कि मैं इतना काम करूंगी बहुत, फिर के बाद में क्या हबी बोलते तूने काम ज़्यादा किया ना आज, तो इसके लिए तेरा हाथ पकड़ रहा है या क्या, लिमिट के बाहर कर लेती है, होता है तो ज़्यादा कर लेती है, ऐसा करती है। मैं बोलती हूँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्लाइमेट की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। अभी पहले से शुरू से अभी इतने सालों से हैं तो कभी तो कुछ प्रॉब्लम होगा ही, पहले से ही वो मेरी टेबलेट्स चालू है, प्रॉब्लम है, हेल्थ के इश्यू ज़्यादा हैं, तो वो होता ही है क्लाइमेट के साथ। कभी देखो ये तो चलो ठंडियाँ हैं, कभी क्या होता है गर्मियों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बारिश होगी तो वो भी मुझे पकड़ लेती है, नई नई गर्मी स्टार्ट होगी तो भी प्रॉब्लम होती है, नई नई बारिश पड़ेगी तो भी स्टार्ट हो जाता है प्रॉब्लम, तो हेल्थ के इश्यू तो मेरे रहते ही है। बस बैठ के अभी वही बैठी थी, इन्होंने बोला खाना लेके आता हूँ, टीवी तो जब भी हबी आते हैं ना तब भी अच्छा लगता है मुझे टीवी देखना, ऐसे मैं नहीं चलाती हूँ इवनिंग में, हबी आएंगे रात के टाइम पे पूरी फैमिली साथ में बैठेंगे तब टीवी देखो, खाना पीना साथ में खाओ, तो पूरे दिन का ना जो इतना मजा नहीं होता है जो ये टाइम पे होता है, आ जाते हैं तो तीनों फैमिली, रात में फैमिली टाइम होता है तो वो मजा आ जाता है मुझे रात में। और मेरे ना सब बीमारी भी, मैं जो ऐसे अभी बोल रही हूँ, अभी हाथ में पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे लगेगा, लेकिन ये आएंगे साथ में बैठ के टीवी देखेंगे ना, मेरा ध्यान भी निकल जाता है कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे कुछ हो रहा है या क्या, खुश बैठी रहती हूँ। हाँ हाथ से ज्यादा होगा फिर रोने बैठ जाऊंगी, फिर ऐसी हूँ, फिर मेरे से सहन नहीं होता, नहीं तो ऐसे खुश बैठी रहूंगी, टीवी वगैरह देखेंगे, प्रोग्राम वगैरह देखेंगे, टाइम पास हो जाएगा। अभी बिग बॉस भी तो ज्यादा दिन बोल रहा है चलेगा, ये मंथ तो पूरा बिग बॉस में जाएगा। उसके बाद काजल कुछ बोल रही थी, एक मूवी आई है हम हॉरर मूवी, पहले भी उसकी बहुत मूवीज आई है पहले भी, तो वो देखी। वेट मैं आपको बताती हूँ काजल से पूछ के कौन सी मूवी बोल रही है। तो काजल वहाँ पे रूम में वीडियो पोस्ट कर रही है बैठ के, कल वाला मेरा यूट्यूब का वीडियो, तो अभी मैं काजल से पूछ के आई कौन सी मूवी है, हमारी फेवरेट मूवी है हॉलीवुड की है इंसीडियस, तो इसके 4 पार्ट पहले निकल चुके हैं, हमने चारों के चारों पार्ट काजल ने और मैंने देखे। तब ना हम वहां पे सोते थे तो हबी को ऐसा लगता था तुम दोनों यहाँ पे मूवी बैठ के देख रहे हो, मैं वहां पे अकेला सो रहा हूँ, और इनको ना ऐसा है सोने के टाइम पे पाँव दबाती हूँ ना तो नींद आ जाती है जल्दी से, बोल रहे तू वहां पे चली जाती है, वहां पे बैठ के मूवी देखते हो तुम लोग, मैं यहाँ पे अकेला सो जाता हूँ बोर होता हूँ, या तो फिर इनको ऐसा भी है पाँव दबाए तो मुझे नींद अच्छी अच्छी आ जाती है, वैसे पेन ना भी हो ना पैरों में तो भी इनको अभी आदत पड़ गई है, जब तक पाँव नहीं दबाऊंगी ना जब तक सोएंगे नहीं कुछ भी हो जाए। फिर यहाँ पे आके मैंने बोला आके यहाँ पे सो जाओ आप, यहाँ पे सो जाएंगे आपको नींद आएगी, हम टीवी वगैरह देखेंगे, बोले हाँ मैं यहाँ पे सोता हूँ ठीक है, मैं भी फिर टीवी देखती हूँ, इनके पाँव भी दबाऊंगी इनकी नींद भी आ जाएगी, तो ये खुश होते हैं, नहीं भाई फिर उनको पता भी नहीं चलता है टीवी चल रही है क्या चल रहा है, इतनी मस्त नींद में हो जाते हैं, बहुत इनको बहुत अच्छी नींद आ जाती है, पाँव दबाऊंगी ना 5-10 मिनट में इनको इतनी नींद आ जाती है, खाली क्या हैबिट पड़ गई है, तू पाव दबाना स्टार्ट करेगी इसको, किसी किसी को होता है ना नींद ऐसे आती है तो इनको फटाफट नींद आ जाती है, तो यहाँ पे ही सोते हैं, तो इसके लिए मैंने बोला आप यहाँ पे आके सो, मैं जब तक टीवी भी देखूंगी आपके पाव दबाऊंगी आपको नींद भी आ जाएगी, तो बैठ के इनके पाव भी दबाऊंगी, मूवीज भी देखेंगे काजल और मैं, इनको मस्त नींद आ जाती है और पता भी नहीं चलता है, इतनी गहरी नींद, पूरे दिन की थकावट रहती है, कैसे सोते हैं फिर पूरे दिन की थकावट की वजह से नींद नींद आ जाती है रात के टाइम पे,
फिर इंसीडियस हमने 4 पार्ट देखे थे, तभी अभी को उसी टाइम पे यहाँ पे आए थे, बोले चलो मैं भी यहाँ पे सो जाता हूँ, आप टीवी देखते हो तब तक मैं यहाँ पे ही सोता हूँ और मेरे पाँव भी दबा तो मुझे नींद आ जाए। अब इंसीडियस का काजल खुश हो रही थी, कल बता रही थी मम्मी 5th पार्ट भी आ रहा है मूवी का, इतनी मस्त मूवी है ना इंसीडियस के, बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड थे, मतलब मूवीज थी जो 4ों पार्ट थे ना बहुत मुझे पसंद आए थे। तो अभी 5th पार्ट आने वाला है, मैंने काजल को बोला यही थोड़े टाइम में ही आने वाला है, कमिंग सून लिखा हुआ है, अभी फिर कौन से मंथ में आ रहा है, आएगा यही ईयर में, पता नहीं कौन से मंथ में आएगा, लेकिन वो देखेंगे जरूर, रात के टाइम पे ही देखेंगे, अभी यहाँ पे सो जाते इनका पाव दबाऊंगी और हम मूवीज भी देखेंगे। लाइफ कैसे भी एंजॉय करो लेकिन करनी चाहिए। मैं ऐसी जिसमें काजल को भी बोलती हूँ, अभी जिसमें आपके मन की खुशी आती है ना वो करो, आपका मन हैप्पी रहना चाहिए वो ही करो, किस चीज़ से हमें खुशी मिलती है वही चीज़ें करनी चाहिए, अपने आप को हैप्पी रखना है। तो फिर मैं मूवीज वगैरह देखती हूँ, टाइम पास हो जाता है, तो ये मुझे इंतजार है, अभी वेट कर रही हूँ 5th पार्ट जल्दी से आ जाए तो काजल और मैं बैठ के देखेंगे। कई सारी हॉलीवुड मूवीज है, जैसे ये इंसीडियस हो गई, काफ़ी सारे नेम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, काजल अभी बिजी लगी पड़ी है, नहीं तो मैं बताऊँ आपको सीरीज भी बहुत देखी है हमने, जैसे गुल्लक वगैरह भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो भी सीरीज वापस आने वाली है गुल्लक की, तो ये बिग बॉस पूरा हो जाए तो मुझे तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट आगे चल के मिलने वाला है। और हबी भी आ चुके हैं खाना लेके, अभी मैं खाना गरम गरम सर्व कर देती हूँ, आ गए हैं ये भी, कपड़े भी काजल डाल देगी, तो फिर बस बाकी खाना ही खाना है। और आपको मूंग के चिले कैसे लगे वो मुझे जरूर बताना, बहुत अच्छे बनते हैं, ट्रस्ट मी एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छे बन रहे हैं। और ये तो मुझे डाइटिशियन ने ही बताया था, फिर मुझे नहीं आते थे मूंग के चले, कभी मैंने सुनने भी नहीं थे, काजल ने बताया मम्मी मैं ऐसे ट्राई करके देख रही हूँ, ऐसे करो आप, काजल ने यूट्यूब पे देखा फिर मुझे बताया मम्मी ऐसे बनाने हैं मूंग के चले, तो काजल ने ही ट्राई किया फर्स्ट टाइम, फिर काजल ने मुझे सिखाया, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो काजल तैयारी कर लेती है, सोक कर लेती है, एक दिन पहले सोक भी करेगी, 6-7 घंटे भी सोक हो जाए तो भी चल जाता है, फिर उसके बाद आप पीस के उसको कभी वही टाइम पे भी बनाओ तो भी चलेंगे, ये तो हम काम कर लेते हैं रात में, क्यों तो सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए फिर पीसने के लिए बैठे तो टाइम हो जाता है बहुत, ऐसे रेडी होगा तो फटाफट बन जाता है, तो आप जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छे बनते हैं। और हम ही खड़े हैं, ये बकवास बंद करें तो मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, तो अब इनको फ्रेश होने देते हैं। अभी रात के 12:30 बजे हैं, खाना भी खा लिया, बिग बॉस भी देख लिया, बस काजल मिल्क बॉयल कर रही है और मेरे लिए खून बिगाड़ रही है, यानी कि मनुका और बादाम, बस इतना ही काम है। मैं भी चेंज करके थोड़ा टैबलेट वगैरह लेके सो जाऊंगी, ये जो एल्बो में मुझे पेन हो रहा है इसको मैं जेल लगा लूँगी, जेल पड़ी है, पेन किलर सोच रही थी लेने का लेकिन फिर मन नहीं करता है, जल्दी जल्दी पेन किलर बहुत ली है ये बार, तो जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, फिलहाल मैं जेल लगा के देखती हूँ, नहीं फ़ायदा पड़ा तो फिर सुबह में लेना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग में ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।